गुड मॉर्निंग। चाय खाली है, एक्टिंग कर रहा हूँ। होली कब है? होली कब है? कब है होली? कब? तो सूत्रों के मुताबिक आज है होली, और आज हम वही करने वाले जो एक व्लॉगर करता है होली के दिन, वही अपना धर्म अपना कर्म। तो आज हम वही दिखाने वाले जो आज होगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो होली 12 प्रकार के होते हैं। 12। लठमार होली उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। पत्नी अपने पति को लाठी से मारती है और पति अपने पत्नी पे पानी से वार करती है। नाइंसाफी। पोलोन की होली वृंदावन में मनाई जाती है। मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ, आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं गूगल में जाके या फिर यूट्यूब में जाके। यूट्यूब में तो भरा हुआ होगा भाई, चेक कर लो। पोलोन की होली वृंदावन में मनाई जाती है। खादी होली उत्तराखंड में मनाई जाती है। बसंत उत्सव और दोल यात्रा वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है। होला मोहल्ला पंजाब में मनाई जाती है। और फगुआ कहाँ पे मनाया जाता है बताइए? नाम में ही समझ में आ रहा है भाई, बिहार का है, नाम में ही सब है। ऐसे ही और बहुत सारे होली होते हैं। तो अगर आपको पूरा जानना है तो थोड़ी बहुत रिसर्च कर लो यार, गूगल में जाकर टाइप कर लो कि सारे प्रकार के अपने को वो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। गूगल बाबा हमको दो, गूगल बाबा आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन नहीं है। बस आप उनको पूछिए, गूगल बाबा साहब के साथ एक ही बर्ताव। और तो इतने प्रकार के होली मनाए जाते हैं। और होली क्यों मनाए जाते हैं, क्यों पता है? क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है, इसीलिए मैं बैठ गया। वैसे ये स्टोरी बहुत फेमस है। तो सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक तपस्वी था, और वो ब्रह्मा जी का भक्त था, और उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान लिया था कि उसे कोई नर मार पाए, ना मादा मार पाए, ना कोई जानवर मार पाए, ना कोई शस्त्र मार पाए, ना कोई अस्त्र मार पाए, मतलब कोई भी ना मार पाए। वरदान मिलने के बाद उसने सबसे कहा कि ब्रह्मा जी की पूजा छोड़ के मेरी पूजा करो, और जो मेरी पूजा नहीं करेगा उसको मैं मार दूंगा। तो डर के मारे सभी पूजा करने लगे, बट उसका खुद का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त निकला। तो हिरण्यकश्यप सबको डरा धमका के अपनी पूजा करने के लिए मना लिया, लेकिन खुद का बेटा प्रहलाद उसकी पूजा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो विष्णु का भक्त था और उसने कहा मैं विष्णु का ही पूजा करूँगा। तो जैसा कि उसने कहा था कि जो पूजा नहीं करेगा उसे मैं मार दूंगा, तो वो मारने की कोशिश करने लगा। दो तीन बार मारने की कोशिश की उसने, लेकिन मार नहीं पाया क्योंकि विष्णु जी उसको बचा लेते थे। तो ऐसा ही करते करते तो भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और उसका पेट फाड़ के वध कर लिया, मतलब मार दिया। तभी होली मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था, कहाँ मनाया गया था? झांसी की एरच में पहली बार होली मनाया गया था। ऐसा एक त्यौहार है जिसमें दर्शाया जाता है रंगों के थ्रू कि बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत होती है। तो यही था स्टोरी। कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छी बात। तो बाहर निकलने से पहले एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हम लोग का क्रिपी फैमिली 100 सब्सक्राइबर पार कर चुकी है, जो कि अच्छी बात है, सही जा रहा है, बहुत सही चला जाएगा। कभी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना भाई को। तो अभी निकलते हैं भाई, दोस्त वेट कर रहे हैं, और इधर गाना चल ही रहा है, वरना ज़्यादा गाना चलाऊँगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। चलिए यहाँ से निकलते हैं, बाहर चलते हैं और प्रॉपर एक अच्छा सा एक वीडियो बनाते हैं। तो आई एम ऑलमोस्ट रेडी, और फटे हुए कपड़े पहना जा चुका है, देख सकते हैं आप। ओ, ये खोलना बाकी रह गया, मुझे पता है कुछ भी घूम के नहीं आने वाला है, मतलब सिवाय पहन के। ये सही है, खुल जा। तो फटे हुए कपड़े पहना जा चुका है, जैसे आप देख सकते हैं ये फटा हुआ है, और पैंट भी एकदम डेंजर क्वालिटी का है। और तो फिर और एक काम बाकी रहे, एक काम, तो फेस पे ऑयल लगाया जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बाद में मुझे प्रॉब्लम हो। तो डन, अपन रेडी है, अपन निकलने वाला है अभी। तो अभी देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, ठीक है? बाहर बहुत जबरदस्त चीज हो रहा होगा। चलो ठीक है, चलते फिर निकलते।
भाई लोग होली ख़त्म और नहाना भी हो चुका है, तेल लगाने का फ़ायदा भी मिल चुका है, थोड़ा भी कलर नहीं बचा है, अभी बस एडिटिंग बाकी है। बट उसके आगे बहुत टायर्ड हूँ, नैप लेना पड़ेगा, पावर नैप लेता हूँ, फिर बाद में थोड़ी बहुत बातें वो सब कंप्लीट करता हूँ, फिर बाद में एडिटिंग कर लूँगा और कल वीडियो अपलोड हो जाएगा। सो मिलते हैं पावर नैप के बाद। हाँ भैया, आपके भाई ने एक हाथ रख के अपनी नींद भी कंप्लीट कर ली और एडिटिंग भी। इतना पावर तो सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ में भी नहीं होगा। तो भैया, जो बात हम करने वाले थे वो बात ये है कि इस बार होली कुछ अटपटा सा था। ऑनेस्टली 3 दिन होली मनाया गया, 3 दिन। और इधर मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ असम के एक छोटे से गांव जैसे सिटी में, उसका नाम है रंगापारा। पहला दिन 20 मार्च एंड 21 एंड 22 को यहाँ पे मनाया गया, इसीलिए कोई नहीं था, रास्ता सुनसान, एकदम अजीब ही फीलिंग था। लगता है छोटे मोटे दल जो होते हैं वो लोग ऑफिशियली तो नहीं, अनऑफिशियली होली मना रहे, ऐसे ही लग रहा था। बट हाँ, टाउन पूरा का पूरा बंद था आज, जो लीगली नहीं है, सही नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ के लोगों का अलग ही मिजाज है, कभी भी टाउन बंद हो सकता है, कभी भी कर्फ्यू लग सकता है। 2-3 साल आगे कर्फ्यू लगा था। टॉपिक पे आते हैं, तो इसी वजह से इस बार का होली कुछ अटपटा सा था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार बहुत कम कुत्तों को, बहुत कम गायों को रंग लगे हुए देखे हैं मैंने। मतलब लोग सुधर रहे हैं, लिटरली लोग सुधर रहे हैं। जानवरों पे रंग लगाना कोई अच्छी बात नहीं होती है, सच्ची बात है। जो रंग है वो ह्यूमन के लिए बनाए जाते हैं, मतलब हम लोग स्किन के लिए बनाए जाते हैं। जानवरों की स्किन हमसे बहुत अलग होते हैं, इसी वजह से उनको इन्फेक्शन होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। वो लोग नहाते भी तो नहीं है भाई, उनको आम होता है, सच्ची बात है। तो थैंक यू फॉर दैट कि लोग थोड़े बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं ये सब के बारे में। तो जो भी हो, होली खेल के मज़ा आया, अटपटा था बट कोई बात नहीं, चलता है। टेढ़ा है पर मेरा है भाई, अपना इंडिया का रूल है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, और बहुतों को लगता है कि मैं वीडियो लेट करके डालता हूँ। हाँ भाई, मुझे पता है मैं लेट करके डालता हूँ, हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो आता है, जो कि इनफ नहीं है एक व्लॉगर के लिए। ऑनेस्टली मुझे पता है बिना सिर पैर का वीडियो अच्छा नहीं लगता, मतलब किसी टॉपिक पे बनाए तो ही अच्छा लगता है। चलो भाई, कुछ ज़्यादा ही लेक्चर हो रहा है, मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे होंगे। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी, क्योंकि कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं हम। हाँ, सच्ची बात है, हमारे भी भावनाएं हैं, ठीक है। अभी चलते हैं, हम एडिटिंग करते हैं, तो कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा नोटिफिकेशन के साथ, अगर आपने घंटी बजाया हो तो। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, प्रोफाइल, भूख लगी।